रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे गाइस। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसको जरा समराइज हम करते हैं आज की क्लास में। हमारा आज की क्लास का मेन गोल होगा कि हमने प्रोजेक्ट में जितनी भी डिफिकल्टीज आनी है ना, उनको क्ले आउट करना है, उन्हें कम्प्लीट करके ना फुलफिलमेंट की तरफ जाना है कि हम इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर सकें। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को लास्ट क्लास के अंदर डील किया था, आज उन चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे, उनके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और इन चीज़ों को क्ले आउट करेंगे कि हम अपना काम कम्प्लीट कर सकें। हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो है एक मार्केटिंग प्लान बनाने का। वो आप अपनी कंपनी के लिए भी बना सकते हो या मैग्नोलिया कॉफ़ी कंपनी के लिए भी बना सकते हो। मार्केटिंग प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, आपका मार्केटिंग ओवरव्यू, आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, आपकी कॉम्पिटिटर प्रोफाइल, आपके स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, उसके एसोसिएटेड KPI, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, इंटरव्यू, एम्पथी मैप, कस्टमर पर्सोनास, कस्टमर जर्नी मैप, स्नैपशॉट ऑफ द मार्केटिंग प्लान, वैल्यू प्रोपोजिशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हम आज की क्लास में इन सब चीज़ों को कैटर करेंगे, उनको एक बार रिवाइज करेंगे। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। क्या मेरी पावर पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रही है? जी परफेक्ट परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में स्मार्ट जो है ना, ये जो कीवर्ड है, दिस एक्चुअली मींस फाइव डिफरेंट थिंग्स एंड वी विल टॉक अबाउट दिस फाइव डिफरेंट थिंग्स एंड हाउ दिस कंट्रीब्यूट इनटू आवर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस द स्मार्ट एंड द एस इन स्मार्ट स्पेंड फॉर स्पेसिफिक। कि आप एक सेट रियल नंबर आप सेट करें रियल डेडलाइंस के साथ। आप ये बताएं कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए इस तारीख तक, मुझे 50 सेल चाहिए एक महीने के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरे 50 दुकानों में से 50 चीज़ें ये इस तरह काम हो जाएं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो एक स्पेसिफिक आपने काम बता दिया। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी सेल इंक्रीज हो, तो ये स्मार्ट नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये एक वैसे एक बात कर रहे हैं जो जनरलिस्टिक है। Does this make sense to everyone? Yes, sir. Perfect. Moving forward, measurable. आपने इस तरह के गोल सेट करने होते हैं जो मेजरेबल, जिन्हें आप देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे महीने के एंड तक 15 सेल्स चाहिए, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ अगर मेरे 15 सेल्स हैं तो मैं उन्हें मेजर कर सकता हूँ। हाँ, 15 का था, 15 हो गई हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ब्रांड एंगेजमेंट ज्यादा चाहिए, मुझे सोशल इन्फ्लुएंस ज्यादा चाहिए, तो मेजरेबल नहीं होगा, राइट? परफेक्ट। अटेनेबल, समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली अचीव। अगर मैं गोल सेट करता हूँ मुझे एक महीने के अंदर 500 सेल चाहिए, मैं चाहता हूँ एक महीने के अंदर 500 घर बिक जाए मेरे, तो ये अटेनेबल नहीं है। दिस इज वेरी यू नो ऑप्टिमिस्टिक बट नॉट वेरी रियलिस्टिक। हमने ऐसे ही गोल सेट करने थे जो आप कंप्लीट कर सको। रियलिस्टिक वही बात को कंप्लीट करते हुए अपने साथ ऑनेस्ट हो, उन चीजों को समझो जो आप कर सकते हो, जिनके लिए कैपेबल हो, उन चीजों को टाइम करो। लास्ट है टाइम बाउंड होना, कि अपने आपको एक डेडलाइन दो कि मैंने बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये सेल का ये नंबर अचीव करना है। तो यू आर टाइम बाउंड टू दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ गोल्स यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, ताकि आप उसे कंप्लीट करने की तरफ कोशिश कर सको। सो ऑल ऑफ दिस कंप्राइज इनटू योर स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ तक आप सब दोस्तों को समझ में आ गया है? इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो काइंडली अभी पूछ लें। क्लियर है सर? परफेक्ट। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ये एक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में भी की थी, इस क्लास में हम रिपीट करेंगे। हमने एक्टिविटी करनी है, तीन चीजें ढूंढ के देनी है आपने मुझे। एक, मुझे कंपनी का नाम बताना है। एक, स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बताना है क्या होगा। तीसरा, उसका KPI क्या होगा। ठीक है, आपका काम क्या है? आपने एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड का नाम बताना है मुझे। लास्ट मंथ उसने 5,000 सेल किए थे अपनी वेबसाइट से, और आप उससे चाहते हो 10% इंक्रीज करें दिसंबर 2022 तक। ठीक है, आप सबके पास 5 मिनट हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है? ये अभी पेपर पेन पे या किस पे? आप मुझे चैट में मैसेज कर दें प्राइवेट। एनी अदर क्वेश्चंस? हम्म,
پخپل یا غره جوی کنه وی اکثر منی بھائی آپ کی آواز آئی ہے کائنڈلی میوٹ کر لیں गाइस पीछे 2 मिनट रह गए हैं अख्तर भाई आपने हाथ खड़ा किया है क्या क्वेश्चन आपका
गाइस टाइम कंप्लीट हो गया, लेट्स गेट बैक टू द क्लास नाउ। वेरी गुड आंसर्स, आप सबने काफी अच्छी कोशिश की है। अब जो इसको कैट आउट कहते हैं, डिस्कस कहते हैं इसको। अच्छा मेरी स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रही है? ये सर्वे से पहले परफेक्ट। तो आपको सबको बेसिकली तीन टास्क दिए गए थे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने आप को खुद टेस्ट आउट करें कि आपने इसको कैसे आंसर किया, whether guys were on the right path or not। तो पहला काम था नाम देना था कंपनी का, this could be anything, and by that आप उसे कोई भी हिस्सा का नाम दे दो जो कि आपके ब्रांड के कीवर्ड को रिप्रेजेंट करो। सेकंड थिंग वुड बी द स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया कि आपको अगर 10% इंक्रीज चाहिए तो 500 SKUs आपको ज्यादा सेल करने पड़ेंगे, तो बाय दैट लॉजिक आपको 5,500 SKUs सेल करने पड़ेंगे बाय द एंड दिसंबर 2022। जिन लोगों ने ये आंसर किया है, वेरी गुड जॉब टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड थर्ड थिंग वॉज द KPI, आप किस चीज पे इंडिकेट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो जिन लोगों ने SKU सोल्ड करने का कहा है, यू गाइस वर द राइट ट्रैक, आप लोगों ने सही था। और अब आप लोगों में से जिन जिन के आंसर सही नहीं थे, आई वुड से कि इसको एक बार दोबारा से सोच लें। और कोई क्वेश्चन है, अगर आपको अभी भी कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स के वाई वर यू वर रॉन्ग। तो अदर देन दैट वी कैन प्रोसीड। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो नाउ इज द टाइम। चले लेट्स प्रोसीड देन। आवर नेक्स्ट असाइनमेंट वुड बी दिस। हम लोगों ने एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी है कंपनी के लिए, जिसमें हम इन क्वेश्चन चीजों को आंसर कर रहे होंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन अगर आप में से किसी को बनानी नहीं आती है तो टेंशन वाली बात नहीं है, बट वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास। तो जिन दोस्तों को आती है वो काइंडली एक चैट में बता दें, और अगर नहीं आती है तो नाउ इज द टाइम ताकि हम उसको एक बार डील कर लें। गाइस हम 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं फॉर अजान, उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। सर ये पैराग्राफ में बता दूं या सिर्फ जिस तरह लिखे हुए एज इट इज बता दें?
टू द पॉइंट देख ले, अजान हो रही है, उसके बाद फिर हम दोबारा स्टडी का इशू करते हैं, ठीक है? ठीक है.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीवन। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप सबको आ रही होगी। तो अभी हम एक एक्टिविटी करने वाले थे एंड द नेम ऑफ द एक्टिविटी वाज टू क्रिएट अ वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर योर कंपनी। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, मैं आपको एक डेमो वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में थोड़ी सी ट्रेनिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप सबको ग्रुप्स में बांट दूंगा और फिर या फिर इंडिविजुअली आप लोगों को अलग कर दूंगा, फिर आप लोग इसे खुद से कम्प्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू है कोई टेंशन तो काइंडली पूछ लें। नो सर, कोई मसला नहीं अभी इसके लिए। नेक्स्ट, thank you guys, I would highly encourage you all to participate in the class. aap thodi dekh le apna mic on kiya ki mujhe jawab de dekhen, so I know you guys are active on your end and you know participating, this would really help me out. zarur zarur sir, thank you very much everyone. sir that or on like zara explain kar this. ji ji main abhi sabko explain kar deta hu. to फरमान भाई दोबारा क्वेश्चन पूछें, किस चीज को आप कह रहे हैं एक्सप्लेन करने को? ये दैट और अनलाइक, दैट अनलाइक, श्योर श्योर, ओके। तो वैल्यू प्रोपोजिशन हमने लास्ट क्लास में की थी, आज इस क्लास में से एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशन जो है उसका पर्पस हो से हम कैसे सॉल्व करते हैं इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसे हम बेसिकली ना सिक्स चीजों में डिवाइड करते हैं, फॉर, हु, आर, दैट, अनलाइक एंड ऑफर। फोर होता है हमने अपने आइडियल कस्टमर को क्या समझा हुआ है, वो क्या चीज है, उसको हम कैसे डेमोग्राफ में किस डेमोग्राफ में डालते हैं। तो फोर वो होगा कि ये उन औरतों के लिए जिनके घर की इनकम अच्छी खासी है, हम जो ब्रांड है उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन औरतों को टारगेट कर रहे हैं जिनके घर में अच्छी भली इनकम है, वो पैसे बच जाते हैं तो वो खर्च कर सकती है। ठीक हो गया, तो ये हमारा फोर हो गया। हु कौन है? Woman who loves to shop branded and luxury clothes. वो होते हैं जो कि branded या luxury clothes shop करना पसंद करते हैं या afford कर सकते हैं। और हम क्या चीज कर रहे हैं? हम luxury designer lining clothing है, हमारे ऐसे कपड़े हैं लेने के जो कि एक luxury designer वाले हैं। That जो कि provide करता है modern and eloquent designer wear clothes. Unlike हम किन की तरह नहीं है, हमारा competitor कौन है? सफाया हमारा कंपटीटर है, आईडीएस हमारा कंपटीटर है, निशात लिनन हमारा कंपटीटर है। आ ऑफर हम दे क्या दे रहे हैं? हम ड्यूरेबल और बेहतरीन सिले हुए कपड़े दे रहे हैं। तो ये हमने अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन इस तरीके से क्रिएट की हुई है। वैसे तो ये अभी भी कंफ्यूजिंग हो, बट आई वुड लाइक टू गो विद यू ऑल थ्रू सेंट्रल एक्टिविटी, हम इसे एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है, चलें, नाउ लेट्स क्रिएट दिस अगेन। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं, यहाँ पे हम लेट से कि हम एक टेलर हाउस है, कोई भी। हेलो सर, जी जी, मैंने भी एक अभी बनाई हुई है कि वो सेंड कर दो सर। जी जी, श्योर श्योर, सेंड कर दें। अच्छा, तो लेट्स गो थ्रू अ सर्टेन आइडिया। कोई भी एक ब्रांड के बारे में सोचें, उस ब्रांड के लिए ऐसे इन चीजों को देखें। फॉर एग्जांपल गुड जॉब नासिर, उस ब्रांड के लिए ऐसे फोर सोचें, फिर हु सोचें, फिर आर सोचें, फिर दैट, फिर अनलाइक, फिर आर ऑफर। चलें अब इस तरह एक बार फिर से बनाते हैं। अब हम सोचते हैं कि हमारा काम है कि हम हेल्थ केयर के लिए एक शैम्पू लॉन्च कर रहे हैं जो कि औरतों के जो बाल गिरे होते हैं, मर्दों के जो बाल गिरे होते हैं उसको लिए वो बेहतर है। ठीक है, तो एक एक करके इसको रिपीट करते हैं। हमारा फोर क्या होगा आकिब? अगर हमारा प्रोडक्ट है बालों बाल जो गिर रहे हैं, जो लोग गंजे हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक शैम्पू क्रिएट किया, तो हमारा फोर क्या होगा सर? हर वो पर्सन जिसके बाल गिर रहे हैं। जी मिस मधी, अब आप बताएं। और हर वो पर्सन सर इकोनॉमी क्लास के लिए जो हर कोई खरीद सकता। अच्छा, है इकोनॉमी एंड हेयर फॉल, राइट? हाँ
चलो ये हो गया फोर हमारा। चलो अदील, अगर ये हमारा फोर है तो हमारा हु क्या होगा? जी सर, सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है तो वो मोटरवे पे भी हूँ, तो जरा थोड़ा सा मैं अलाइन हो जाऊँ क्लास से तो फिर जवाब देता हूँ सर। जी चलें कोई बात नहीं। सर, जी सर। श्योर। नासिर भाई आप बताएं हो क्या होगा हमारा? सर वो बंदे होते जो इस माइंड सेट के साथ होंगे कि मैं टकला हो जाऊंगा फिर शादी नहीं होगी। वेरी गुड आंसर। बशायद एग्जैक्टली आप बताएं। सर, हमारा जो हु होगा वो लोग होंगे जो गंजे हो रहे, जिनके बाल गिर रहे हैं और वो पसंद नहीं करते ऐसा दिखना, गंजा होना वो वेरी गुड उन्हें आंसर। पसंद नहीं है, तो एक प्रॉब्लम है। जिन्हें मन के ईगोटिस्टिक इशू हो सकते हैं या फिर उन्हें साइकोलॉजिकल तौर पे वो हार्मफुल हो रहा है, इमोशनल डैमेज हो रहा है ये फॉल से, तो वो लोग सर हो सकते ब्यूटी हैं। कॉन्शियस हो, या वेरी गुड ब्यूटी आंसर। मैं कॉन्शियस दिखा बिल्कुल। हेयरफुल इन्फेक्टेड एंड ब्यूटी कॉन्शियस पीपल। चलो अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, आप आई क्यू पे बात करते हैं। अब्दुल कादिर यार हमारा आई क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं? हाँ मतलब हमारा जो पे एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? सर सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ चलो रही। फिर ठीक है। अब्दुल कादिर आपके पास मैं वापस आता हूँ, काइंडली अपना माइक्रोफोन बेहतर कर लें। मूविंग फॉरवर्ड मिसबा आप बताएं हमारा आ क्या होगा? ज्वाइन मैं बता देता हूँ, जी भाई बताएं। हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल शैम्पू। गुड आंसर। एंटी हेयर फॉल शैम्पू। ये एंटी किसने कहा था? मैंने आपको स्टार मिलना चाहिए वैसे। वेरी गुड पॉइंट आउट। मूविंग फॉरवर्ड दैट क्या होगा गाइस हमारा, हम क्या चीज जो है सॉल्व कर रहे हैं अपने इस चीज से? हमारा एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है क्या चीज सॉल्व कर रहा है हेयर फॉल बशायद भाई? प्रॉब्लम गिरने से बचा रहे सर। या हेयर एग्जैक्टली हम हेयर फॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, हम बाल गिरने से बचा रहे हैं, हम बालों के मसले हल कर रहे हैं, तो ये हमारा दैट होगा। ठीक हो गया। और भी मैंने कहा जो भी आपने सर, इसकी हेयर फॉल को क्वालिटी रोकेगा, डालनी है, एग्जैक्टली स्टॉप जो भी हेयर आपने फॉल। क्वालिटी डालनी है वो इधर, या एग्जैक्टली वो क्वालिटी तय आ जाएगी। अच्छा किसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया? यस अख्तर मुनीर भाई आप बताएं हम किसकी तरह नहीं है, सर। हमारा कंपटीटर कौन नहीं है, अनलाइक में क्या आएगा? हेड एंड शोल्डर पेंटी वो एंटी डैंड्रफ, गुड सारे एंटी हेयर फॉल शैम्पूस। आंसर। सारे एंटी हेयर फॉल इसमें आते हैं सर। चलें ऑफर किया है। नाउ आई वांट समवन टू आई वांट एवरीवन टू रेज हैंड जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है। हैंड रेज करना था आप लोगों को? पर ये कि ये मेडिकली प्रूवन लिंक डाउन हो रहा है। तो ही मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई भाई। पर ये कर रहे हैं कि सर ये एक मेडिकली प्रूवन टेक्निक है सर, क्योंकि काम कर दिया सर। मेडिकली प्रूवन क्या है ये? सोल्यूशन टू हेयर फॉल।
सॉल्यूशन या इस तरह कह सकते हैं सॉल्यूशन टू हेयर फॉल. गुड जॉब सर. आवर प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टिंग समवनस ब्यूटी. गाइस माशाल्लाह आप सबको वैल्यू प्रोपोजिशन की अच्छी समझ में आ गई है. अब वापस आप लोग जाएं चैट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मुझे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं डीएम करें इन सब क्वेश्चंस को आंसर करते हुए. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है सर जी. शाबाश. 5 मिनट मतलब 5 मिनट, अगर पहले भी कर लो तो कोई मसला नहीं है, जल्दी भेज देना. शाबाश. और सर ब्रांड क्या होगा? आपने जो भी लास्ट ब्रांड की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम अभी कपों की बात कर रहे थे, आप कपों की बात कर लो, या फिर आप जो भी एक ब्रांड चूज करोगे उसी ब्रांड को लेके चलोगे आगे. अगर आप लोगों के पास ब्रांड नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं लोशन जो होता है स्किन लोशन उसके चूज कर लें, स्किन लोशन के लिए बना दें. सर मैं अपने प्रोजेक्ट वाले ले लूं, मेरा थोड़ा सा काम भी उस पे हो जाएगा. श्योर श्योर श्योर. यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू टेक दैट. Four.
Never will it take you. अस्सलाम वालेकुम गाइस, टाइम खत्म हो गया. इफ यू गाइस हैव कंप्लीटेड इट तो कोई इशू नहीं है. द मेन थिंग इज क्या, ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है कि वहां प्रोजेक्ट क्या है, वैसे कैसे कंप्लीट करना है. अब अगले टास्क की तरफ चलते हैं. मीनवाइल एक दो क्वेश्चंस हैं हमारी. या एक तो जब आप मैंने ये बात ना कर रहे हो तो म्यूट कर दिया करें अपने ना, तो उससे फायदा ये होगा क्लास डिस्टर्ब नहीं होती है. सेकेंडली हमारी क्लास में वकाय भाई हैं. वकाय भाई आपका यूजर नेम मेरी क्लास में मुझे मिल नहीं रहा, आपका यूजर नेम क्या है, यूटेस्टी में आप पहले बता सकते हैं? यूजर नेम मैंने के पूरा नाम क्या है आपका जो कि रजिस्टर्ड है? मोहम्मद वकार खान. मोहम्मद वकार खान, एक सेकंड देखता हूँ क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ आप मेरी क्लास में शो नहीं हो रहे, इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर लूँ. नहीं शो नहीं हो रहे. आप एक काम करें, आप ना जाके यूडेसिटी डैशबोर्ड से एक स्क्रीनशॉट लें अपने यूजर नेम वाले पैनल का, वहां पे आपके मेंटोर का नाम भी आ रहा होगा, वो मुझे आप स्लैक के ऊपर डीएम कर दें तो मैं फिर आपकी अटेंडेंस इजीली मार्क करवा दूंगा या कर लूंगा. ओके बेटी. जी जी परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू. ओके ओवर क्लास मच. माशाल्लाह आप सबने बहुत अच्छा काम किया है. ईच एंड एवरीवन, मैं जिसको भी काम देखा हूँ सबको मैं गुड जॉब कह रहा हूँ, क्योंकि सबने माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से आंसर किया है. सो आई विल से कि आप सब लोग अपने तालियां बजा लें खुद ही और गुड जॉब एवरीवन. इस अब हम अगले टास्क की तो चलते हैं. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नाउ इज द टाइम पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं. अच्छा ये आप जरा चेंज फ्लो के नाम से चेक करें. हाँ जी हाँ जी, चेंज फ्लो है मेरे पास. हाँ वो मैं ये अपडेट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने ईमेल से डायरेक्ट आईडी वो बनाया था अकाउंट, तो वो ईमेल वाले मेरा डायरेक्टली यहाँ पे आ गया था. हाँ जी हाँ जी, चेंज फ्लो मिल गया मुझे. इसके इस नाम के पीछे की कहानी जो है वो मैं क्लास के बाद आपसे सुनना चाहूंगा. सही भाई, द नेम ऑफ चेंज फ्लो. ओके गाइस, मार्शल श्योर. ओके गाइस, गुड जॉब ऑन एवरीवन. माशाल्लाह आप सबने बहुत अच्छा काम किया है. नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं. मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने लगा हूँ बाय पर्सोना के नाम से, होपफुली आप लोगों को कंप्लीट करने में आसानी होगी. मैं स्क्रीन जब आपको दिखने लग जाए बता दीजिएगा मुझे काइंडली. फरमान भाई कोई स्क्रीन दिखाई दे दी आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है आपकी, ये प्रेजेंटेशन वाली? जी जी
जी सर, वैल्यू प्रोपोजिशन वैल्यू प्रोपोजिशन। ओके गुड हो गया। तो गाइस परफेक्ट, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हमने एक टारगेट पर्सोना क्रिएट करना है। इस टारगेट पर्सोना के बारे में हमने लास्ट क्लास में नासिर भाई की मिसाल ली थी, जो कि इस वक्त रियाद में मुकीम थे। नासिर भाई याद है आपको? बिल्कुल याद है सर। गुड जॉब। तो आज आप लोगों ने एफए से टारगेट पर्सोना क्रिएट करना है। उस टारगेट पर्सोना के अंदर छह चीजें होती हैं। डेमोग्राफिक्स के वो जो इंडिविजुअल आप क्रिएट कर रहे हो, इमेजिनरी इंडिविजुअल, वो किस डेमोग्राफ से बिलोंग करता है, उसका नाम और पिक्चर आप असाइन करते हो, उसकी नीड्स असाइन करते हो, उसका गोल्स सेट करते हो, उसकी हॉबी सेटअप करते हो, और क्या बैरियर्स हैं उस बंदे को रीच आउट करने में, वो सेटअप करते हो। ठीक है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट के मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग बना लें, या फिर आप लोग खुद से ट्राई करना चाहेंगे तो आप खुद से ट्राई कर लें, वट एवर यू लाइक। हम उस तरीके से चल लेते हैं। पहले एक्सप्लेन करें सर, फिर चलें। फिर अटैच करेंगे या सिर्फ नरेट करेंगे उसके बारे में? नरेट कर दें, अटैच कर दें, जिस तरह क्लास जो है डेमोक्रेसी है, जिस तरह सब लोग वोट करते हैं उस तरह कर लेंगे। सर प्रेजेंटेशन की बात, सॉरी प्रोजेक्ट की बात कर रही हूं उसमें। प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट में आपने इस तरह का बना के देना होगा। ठीक है, ठीक है सर, परफेक्ट। तो गाइस मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ, कि आप सब लोग मुझे ये आइडिया बना के दोगे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टारगेट पर्सोना। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में बात की थी कि हमारा एक लेनन का स्टोर है, जहाँ पे हम लग्जरी ब्रांड वेयर लेनन चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से हमने एक टारगेट पर्सोना क्रिएट किया मैरी जेन का, जिसे हर वक्त शॉपिंग करने का शौक है। इसके शोहर जो है जितने भी पैसे कमाते हैं, ये सारे के सारे ना अपने शॉपिंग के चीज़ों में खर्च कर लेती है मोहतरमा। इसकी एज जो है वो 16 से 55 के दरमियान में है। ये एक अर्बन हाउस होल्ड DHA में रहती हैं, और इनकी अपनी खुद की गाड़ी है। ठीक हो गया, ये इनका बैकग्राउंड डेमोग्राफिक्स है। बैकग्राउंड डेमोग्राफिक्स की समझ में आ गई सबको? यस सर, जी जी। अच्छा, ये जो मैं एक इमेजिनरी खातून को क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट टू टारगेट एनीवन, दिस इज जस्ट टू क्रिएट अ स्टोरी। एक दिमाग में आप स्टोरी बिल्डअप कर रहे हो उस पर्सोना के बारे में, कि वो क्या कहता होगा। वो पर्सोना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो पर्सोना वो होता है जिसे आपने चीज बेचनी है। ठीक है, ठीक है सर, परफेक्ट। तो ये उसका बैकग्राउंड है, ये उसकी फोटो, ये उसका नाम। अब उसकी हॉबीज क्या है? वो पार्टी करना पसंद करती है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है उसे, उसे ट्रैवल करना पसंद है, उसे मूवीज पे जाना पसंद है। गोल्स की हैं, वो क्लास शो करना चाहती है, वो चाहती है वो अच्छी दिखे, वो चाहती है वो यूनिक दिखे। नीड्स क्या उसकी? उसकी नीड है कि क्लासी दिखे, उसका स्टेटस कॉन्शियस है कि मेरी जो चीज़ है वो दूसरों से बेहतर हो। डिजाइनर क्लोथ पहनती है चाहे उनकी कीमत ज्यादा हो, उसे उससे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज चीज जो है वो वैल्यू ज्यादा रखती हो। उसे एक अच्छे ऑप्शन चाहिए गारमेंट्स के अंदर, प्रीमियम प्राइसिंग वाली चीज़ लेना पसंद करती है बनिस्बत की अफोर्डेबल प्राइसिंग वाली। और उसका बैरियर जो है वो ये है कि मार्केट में और भी लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि सना सफीनाज और सफाया वगैरह। और लास्ट बैरियर ये है कि जियो लोकेशन, मैं हर उस औरत मैरी जेन के पास नहीं पहुँच सकता जहाँ पर मैरी जेन मौजूद है, तो एक्सेसिबिलिटी का इशू है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाया ताकि मैं उन्हें उनके घर में डिलीवर कर दूँ, और इस चीज़ के लिए मैं उनके लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट पर्सोना है। सर ये नीड्स और गोल में मैं जब कर रही थी तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था कि दोनों मेरे मिक्सअप हो रहे थे, मुझे कुछ वो स्लाइट डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था उसमें। सर इसका जरा समझा दे कि इसमें किस तरह में डिफरेंस लाऊं। श्योर श्योर, मैं समझा देता हूँ। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन? साद भाई आपको कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा मिस मधिया, नीड्स और गोल्स जो है ना, आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि ये काफी सिमिलर हैं, बट नीड जरूरियात हैं और गोल्स वो चीज है जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैंने फुटबॉल के टूर्नामेंट में जाना है, तो मेरी नीड है कि मेरे पास एक फुटबॉल किट हो, मेरे पास उसका यूनिफॉर्म हो, मेरे पास एक फुटबॉल हो, फिर मैं जा सकता हूँ। और गोल ये है कि मैं फुटबॉल का टूर्नामेंट जीतना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है, ये मेरा अचीवमेंट होगी मेरे लिए। तो इधर से आपको पहले उनका बेसिक आइडिया आ जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया मिस मंदी है आपको?
सर मेरा तो जिस तरह प्रोजेक्ट है वो तो एक कैफे पे है ना, तो और मैंने जो टारगेट पर्सन लिया था वो एक डाइवोर्स वुमन है और एक वो लॉयर है, और वो मेरे कैफे पर आती है और वहाँ पर अपने क्लाइंट से मिलती है, वहाँ पर मीटिंग्स करती है, तो उसकी नीड और गोल में फिर मुझे थोड़ा सा वो आ रहा था। गोल में तो ये था कि वो खुद को सक्सेसफुल देखना चाहती है, वुमेन एम्पावरमेंट शो करना चाहती है, और नीड में फिर मुझे थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हो रही थी कि मैं क्या लिखूं, कि उसकी नीड्स क्या है। गोल तो मुझे डिफाइन थी। उसकी नीड होगी कि वो एक अच्छी एनवायरनमेंट में आना चाहती है, उसकी नीड होगी वो टेस्टी ऑप्शंस हों आपके पास, आप डिलीवर क्वालिटी सर्विस डिलीवर करो उसे, ये तीनों उसकी बेसिक नीड्स होंगी। अगर वो मीटिंग करने के लिए आ रही है तो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नॉइजी होगा, या फिर इस तरह एनवायरनमेंट होगा जी जी बताएं। सर मैं इंटरफेरेंस करूंगा आपके बात में। सर नीड को मैं इस तरह ले सकती हूं कि व्हाई शी चूज माय कैफे, तो ये मैं नीड में ले सकती हूं। यप एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू कैन चूज दैट वे एज लॉन्ग एज आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स उन्हें फुलफिल कर रहे हैं ना, तो उसे आप नीड के तौर पे ले रहे हैं। असल बात है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसकी रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल कर दे अपने कैफे के जरिए तो आप वो नीड पूरी कर रहे हो। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। गाइस एनी अदर क्वेश्चंस? आई एम ओपन टू क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज वन। नो सर, गो अहेड। नो सर, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस इससे मैंने आपको एक दफा टारगेट पर्सन समझा दिया, नाउ इट्स अपॉन यू गाइस। आप लोगों ने टारगेट पर्सोना क्रिएट करना है। यू गाइस हैव अराउंड 10 मिनट्स, मैंने तो 15 लिखे बट आप 10 मिनट्स सोचो। 10 मिनट्स के अंदर आपने मुझे ये सब कुछ क्रिएट करके देना है, डेमोग्राफ, नेम, पिक्चर, नीड, गोल, हॉबीज एंड बैरियर्स। ठीक है? ये सर हम आपके साथ शेयर किस तरह करेंगे। आप में से कितने लोगों को गूगल डॉक्यूमेंट यूज करना आता है? मुझे तो आता है सर। चलें परफेक्ट, आप सब लोग गूगल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, वहां पे आप ये बनाएंगे, यहाँ पे मैं अक्सर बना के शेयर कर देता हूँ और ये आप वहां पे मैं फीड कर देता हूँ। ठीक है? अगर क्वेश्चन आप पूछ लें अभी। सर मैं चैट में कर सकती हूँ कि मैं फोन से ऑनलाइन हूँ? श्योर आप चैट में कर दें, चैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन। गाइस आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे चैट में आप पर्सनल डीएम कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है सो आई विल आस्क ऑल ऑफ यू टू यू नो गेट टू इट। सर डीएम में भिजवा दे, आपको डीएम कर दें जी। सर ये टारगेट पर्सोना बना के भेजना है आपको? जी सर, टारगेट पर्सोना क्रिएट करके आपने शेयर करना है। ओके सर। गाइस अगर किसी को समझ नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप सब लोगों ने टारगेट पर्सोना क्रिएट करना है, और टारगेट पर्सोना जो है ये मैरी जेन वाला, मैंने कहा आप अपने ब्रांड के लिए ऐसे क्रिएट करोगे, उसके अंदर मुझे बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक्स, उस बंदे का नाम, उसकी एक आधी फोटो, नीड्स, बैरियर्स, गोल्स और हॉबी सेटअप करके मुझे आप गूगल डॉक्यूमेंट में शेयर कर दो, या फिर आप मुझे डीएम कर दो, जो आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है? You're welcome, brother.
सर मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हम डिफरेंट स्लाइड्स बनाएंगे, एक ही स्लाइड में उसको एडजस्ट करेंगे एज ए कम्युनिटी।
अस्सलाम वालेकुम इसमें दिया जी सर। तो मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आप वाइडर ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे कैफे की एग्जांपल आप ले रहे थे, तो अगर आप एक लॉयर को टारगेट कर रहे हैं जिसकी एज जो है 25 से 45 के दरमियान में, जो कि मीटिंग्स के लिए आ रही है, तो एक वो टारगेट पर्सोना हो गया। आप उसने एक और टारगेट पर्सोना भी क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, जिनकी एज जो है 15 से लेकर 35 तक है, जो कि स्टडी के लिए या फिर ग्रुप एक्टिविटीज के लिए या मीट आपस में गपशप लगाने के लिए आपके कैफे में आ सकते हैं। बट वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सोनास होंगे। स्लाइड्स को एक्सटेंड करेंगे या एक स्लाइड पे फिर उसको एडजस्ट करेंगे, डिफरेंट टारगेट पर्सोना क्रिएट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द यूबिक्स। अगर आप यूबिक्स को देखें तो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, एक मिनट के मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। ये यूबिक्स में आप आते हैं ना, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है मिस मुदिया? यस सर। परफेक्ट। तो इसमें ना एक सजेशन में लिखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए, इसमें एक है डेवलप मोर देन वन टारगेट पर्सोना, आपको दिखाई दे नंबर 2 पे? यस सर। परफेक्ट। तो इधर इसी चीज के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल टारगेट पर्सोनास होंगे, तो आप उनके लिए मल्टीपल स्लाइड्स बनाओगे टारगेट पर्सोना के, एक आपने लॉयर बना दी, एक आपने स्टूडेंट बना दो, तो इस तरह के डिफरेंशिएटर होंगे। सर एक में मोर देन 2% लेस देन 4% के लिए एक रूम सेट करना चाहती हूं कि वहां पर वो आकर एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, वहां पर मल्टीमीडिया अवेलेबल हो, उनको सारी अवेलेबल हो, एक वो हो जाता है। और एक ओल्ड एज पर्सन है जो वहां पर आकर कुछ टाइम स्पेंड करता है, बुक रीड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो सही हो गया। तो अब मैंने के टारगेट पर्सन की बात करते हुए इनके डिफरेंट टारगेट पर्सन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। उम्मीद है इस कन्वर्सेशन से दूसरे दोस्तों को फायदा होगा। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टाइम इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सेकंडली अनिस रहमान भाई, यू हैव जॉइंड द क्लास, ये आपका पहला सेशन आई थिंक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अनिस भाई, कैसे हाल चाल है? इसे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है सर जी, अल्लाह पाक का। मैं आई थिंक ये आपका पहला सेशन है सर। फर्स्ट सेशन मैंने लिया था, सेकंड सेशन मिस्ड हुआ था, और असल में मैं फोन पे ओपन कर रहा था यूडेसिटी, तो वहाँ पे प्रोग्राम नहीं आ रहा था, तो मैं दूसरे फिर दोस्तों के साथ कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे जो है ना वो कर दिया। तो 29 डेट से मैं फिर लाइव हूँ, 28 डेट से अभी मैं, मुझे लगा कि डेट या टाइम मैंने सेट किया था वो 7 PM था, इसलिए मैं अभी ऑनलाइन आया। यार हमारी क्लास ना हर सैटरडे को होती है 6 to 8, तो आई वुड सजेस्ट के आप ना उसका नाम सही कर लो। सेकंडली आपने ना अभी तक यूडेसिटी पे कंटेंट भी इतना ज्यादा नहीं कंज्यूम किया मुझे जहाँ तक दिख रहा है, तो आई वुड से कि आप उसको थोड़ा फोकस करें। अभी आपने कितना कहाँ पे पहुंचे हैं सर, ये बताएंगे यूडेसिटी के अंदर? सर मैंने ओपन किया है, लेकिन सर जो वीडियो से ना जो फर्स्ट क्लास जो है रखी, तो वो मैं रिकॉर्डिंग जो सेशन थी वो मैं सुन रहा था, और उसके बाद जो
एप्लीकेशन वगैरह थी तो उसी में मैं लगा था अभी तो आई थिंक फर्स्ट क्लास है जो उसके हाथ से, लेकिन पहले सेशन जो रिकॉर्ड हुआ था सबके लिए वो मैंने लिया था। चल गुड हो गया, गुड हो गया। तो अभी ना बाकी क्लास जो है वो एक एक्टिविटी कर दी है और अभी उस एक्टिविटी का टाइम कम्प्लीट होने वाला थोड़ी देर में, फिर हम अगले ही एक्टिविटी एक साथ मिलकर करेंगे। द थिंग इज कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो ड्यू हो चुका है, वो उसकी फाइनल जो सबमिशन डेट है अगर 18 तक आप लोगों ने सबमिट ना करवाया ना तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने आप अगर 18 का सोचोगे तो इट्स ऑलमोस्ट अपॉन अस, तो आप 12 को टारगेट रखते हुए इसे कंप्लीट करने की कोशिश करना है। और उसके लिए ना अभी हम आज का लेक्चर डेडिकेटेड है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें जो कि मार्केटिंग प्लान क्रिएट करती हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पहले एक सेशन किया, फिर दूसरी एक्टिविटी, फिर दूसरी एक्टिविटी, तो अब ना हम अगली एक्टिविटीज जब जिस तरह कर रहे हैं आप साथ साथ मिल जाएं, उम्मीद है कोई इशू होगा तो उसे डील कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर ये अभी कहाँ पे शेयर करें आपके साथ? आप मुझे अगर आपने उसकी लिंक क्रिएट कर लिया तो मुझे डीएम कर दें, अगर आपने लिंक क्रिएट नहीं किया तो सिंगल आर्टिकल है तो वो भी हमें डीएम कर सकते हैं चैट के अंदर। सर चैट के अंदर स्क्रीनशॉट भेजे जा सकते हैं सर? अगर वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते हैं तो आप एक काम करें कि आप उसे गूगल डॉक्यूमेंट पे अपलोड करें, उसकी लिंक शेयर कर दें, ठीक है। अदरवाइज अगर वो भी नहीं कर सकते स्लैक के ऊपर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। जी सर स्लैक पे भेज रहा हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। आकिब गुड जॉब ऑन द टारगेट पर्सोना, बट आई वुड लाइक टू आस्क व्हाई डिड यू टारगेट मासेरा? अच्छा आकिब जी सर मैं आपका टारगेट पर्सोना देखा हूँ, वेरी वेल डन, बट इसमें आपने एक जगह पे लिखा हुआ है लिव्स इन मासेरा सिटी, व्हाई आर यू टारगेटिंग मासेरा सिटी? मैं टारगेट कर रहा था किसी स्पेसिफिक एरिया को। ओके ये मिस्टेक, ये भी मुझे याद है, ये ठीक हो गया।
आपका जो प्रोडक्ट है सिर्फ मासेरा में डिलीवर होगा? नहीं सर, थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो आप मैंने की गलती समझ में आ गई आपको? जी सर बिल्कुल, ये बेचने के बाद मुझे समझ में आ गई थी आपसे पहले। चले दोबारा गुड जॉब। थैंक यू सर। गाइस टाइम इज कंप्लीट। जिन दोस्तों का अभी रह गया बता दें, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वील स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है ठीक है। गुड जॉब फरमानुल्लाह। गुड जॉब बिशाद भाई। अख्तर मुनीर भाई, आई वुड से कि आपको ना इसमें मजीद डिटेल्स डालने की बहुत ज़रूरत है, इट्स वेरी लैक लस्टिंग, इसमें काफ़ी डिटेल्स की भी ज़रूरत है, तो इस पर आपको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी सर। मैं जी जी अदरवाइज गुड एफर्ट आई वुड से। आई थिंक सबने सबमिट करवा दिया है। अब्दुल कादिर खटक भाई, आपने सबमिट करवाया? अब्दुल कादिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने भी नहीं किया सर, बिकॉज़ असल में ना मैं क्लियर नहीं था, वो स्लाइड्स नहीं देखे, थोड़ा अजीब आ रहा है। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। साद भाई और नासिर भाई, आप लोगों ने? जी मैंने सबमिट की हुई सर, चैट में सेंड की हुई सर। एक सेकंड। हाँ सही मिल गया, ठीक है थैंक यू। नासिब भाई का मिल गया, साद भाई आपका मैं मिला नहीं है सॉरी। हाँ जी मिल गया, थैंक यू। अच्छा गाइस माशाल्लाह आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की भी समझ में आ गई है। इससे पहले हम आगे कंटिन्यू करें, अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही या कोई बात अभी तक ऊपर से नहीं है तो पूछ लें, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना रहा था लेकिन हॉबीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मतलब किस तरह कस्टमर्स की हॉबीज को डिफाइन करूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए देख रहा। तो आप इसे इस तरह सोचेंगे कि यूजली उनकी हॉबी यही होगी, या तो वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे होंगे, स्टार्टअप की चीज़ों को पसंद करते होंगे, या फिर वो ये सोच रहे होंगे कि जो उनका ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट है उसे उसकी सेल ग्रोथ को कैसे इंक्रीज करें। तो इनके जो पेज जिनको लाइक किया होगा वो भी इन्हीं चीज़ों को टाइप कर रहे होंगे, या तो वो पेजेस होंगे गैरी वेचुनक जैसे जो कि बिजनेस को ग्रो करना सिखा रहे हैं, या वो होंगे मार्क रॉबिन्स वाले जो कि नए बिजनेस को क्रिएट किस तरह करना है या उसे ग्रोथ कैसे देनी है वो सिखा रहे होंगे। तो इस तरह के टारगेट और मैंने क्या आइडिया आप ले सकते हो। ठीक है बताओ जी। जी सर थैंक यू सर। जी वेलकम बड़ी। अच्छा आज की क्लास की लास्ट एक्टिविटी जल्दी से कर लेते हैं। ये एक एम्पथी मैप हमने क्रिएट करना है, और इस एम्पथी मैप क्रिएट करने के बाद हमने फिर एक बार प्रोजेक्ट को जल्दी से ओवरव्यू करना है। एम्पथी मैप हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था, नहीं किया था सॉरी, हमने उसके बारे में एक ओरल डिस्कशन की थी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लें। सर अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो बेहतर होगा। श्योर साथ भाई, लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था, आज भी आपसे पूछूंगा, एम्पथी किसे कहते हैं? मिस मदिया आप बताएंगे एम्पथी किसे कहते हैं? सर हम किसी और की जगह पर खुद को रख कर सोचे उसके बारे में कि वो क्या फील करता है, वो क्या चाहता है।
एग्जैक्टली आप अपने आप को अपने कस्टमर्स के शूज में पुट करते हो और एज अ कस्टमर सोचते हो कि मेरे लिए क्या चीज है जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ, ठीक है, और इस तरह आप एम्पैथी मैप क्रिएट करते हो। एक एम्पैथी मैप के चार कंपोनेंट्स होते हैं, थिंकिंग, सीइंग, डूइंग एंड फीलिंग। थिंकिंग में आप एज अ कस्टमर सोचते हो कि आप क्या सोच रहे हो, सीइंग में आप क्या देख रहे हो, डूइंग में आप क्या कर रहे हो, और फीलिंग में आप क्या फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को एक फीमेल जो कि फैशन वेयर क्लोज लेती है सना सफीना से या सफाई से, उसके पैरों में अब सोचता हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एलिगेंट या क्लासी दिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास बेस्ट डिजाइनर क्लोज हों। मैं क्या देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ, मैं मूवी स्टार्स को देखता हूँ, मैं अपने पी एस साइकिल को देखता हूँ कि मेरे दोस्त किस तरह कपड़े पहन रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सोशल वर्क करता हूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं टी पार्टीज पे जाता हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ, मैं मूवीज पे जाता हूँ, ये सारे मेरे डूइंग वाले हो गए। फीलिंग, मैं क्या फील करना चाहता हूँ, मैं एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील करना चाहता हूँ या वुमेन एम्पावरमेंट फील करना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा थिंकिंग, सीइंग, डूइंग और फीलिंग होगा। साथ में समझ में आओगी, कोई क्वेश्चन पूछ लें? नो सर, क्लियर है सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अभी आप सब लोगों ने अगले चार मिनट के अंदर मुझे ये एमएनसी एम्पैथी मैप क्रिएट कर देना है अपने ब्रांड का विद इन 4 मिनट्स, ठीक है। स्टार्ट। अनीस भाई, आपकी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, अगर आपको समझ में नहीं आया या इशू है तो आप पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो हमने अभी टेक कर लेते हैं। ओके सर, मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, ईमेल। परफेक्ट परफेक्ट। आपको मैं सजेस्ट दूंगा कि आप जो है ना एम्पैथी मैप आप भी क्रिएट करें, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं करें, कोई इशू नहीं है, सही हो गलत हो पार्टिसिपेट जरूर करें, इससे फायदा ही होगा, आपके जो दिमाग है उसके लिहाज से ना ज्यादा कंपोज हो जाएगा, आपको आगे चीजें पढ़ने में समझने में आसानी होगी। तो एम्पैथी मैप क्रिएट करने की कोशिश करें और मुझे डीएम कर दें, ठीक है बेटा? श्योर सर, इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी नहीं सही सर। सर यहाँ पे आपने जो अभी टास्क दिया है ये कहाँ पे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो? ये आप मुझे ज़ूम के डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है चैट के अंदर, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है नहीं सही। जी जी, मैं मैसेज करता हूँ जी बेहतर।
गाइस टाइम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर आपने लिख लिया तो काइंडली सेंड कर दें। इसमें देखिए आप क्लास में हैं? जी सर मैं क्लास में। कैंडी आप तैयार किए और कुछ हो जाएगा ना, आई वुड सजेस्ट कि आप कैंडी भेज दें तो हम अगले आगे चलें। सर मैं सोच रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। चलें कोई इशू नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो विल जस्ट मूव ओवर। ठीक है, शाबाश शाबाश। गाड़ी किधर होंगी यार?
अच्छा गाइस, जिन लोगों ने सबमिट करवा दिया गुड जॉब ऑन एवरीवन, जिन लोगों की अभी सबमिट नहीं हो रहे या जिनको कोई इशू आ रहा है तो नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट इट। अपने जो जो क्वेश्चन अभी पूछ लें एम्बेसी में आपके बारे में, अभी हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड कर लेंगे। इसमें दिया आपको जी सर, कोई इशू नहीं सर, में आ गई है अभी आप ब्लैंक है तो वील टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट, इसको डील कर लेते हैं। यहाँ पे आपने केटेक कर लिया इसको सर, मैं ये थिंकिंग और सीइंग में फंस गई हूँ कि इसमें मैं क्या लिखूं। कोई इशू नहीं है, आप थिंकिंग के ऊपर देख लेते हैं एक सेकंड सर। एज अ क्लाइंट या एज अ फीमेल जो कि आपका कस्टमर है, चाहे वो लॉयर है चाहे वो स्टूडेंट है, तो क्या सोचता होगा आप एज अ क्लाइंट उसे देखना, ठीक है? अब एज अ क्लास हम इस चीज को डील करते हैं। Guys, everyone who has completed the assignment, kindly the focus कर लें और इसको देख के मिस मधिया की हम हेल्प करते हैं, ठीक है? मिस मधिया, kindly अपने प्रोडक्ट के बारे में जल्दी से बता दें before we get into our empathy map. आपका प्रोडक्ट क्या है? सर, मेरा एक छोटा सा कैफे है जिसमें लोगों के लिए इवनिंग टाइम में जो लोग बिजी होते हैं पूरा दिन, उनके लिए थोड़े से टाइम के लिए अगर वो वहां पर आते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, कॉफी पीते हैं, या कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, साथ में रीडिंग प्लेस भी है और एक छोटे छोटे केबिन है वहां पर, अगर कोई एक स्मॉल वर्चुअल मीट खेल में कुछ लिखता है या कोई फ्रीलांसर है तो वहां पर उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो वहां पर काम कर सकता है। Now guys, thinking about this, हमने मिस मधिया के इस एम्पैथी मैप में हेल्प करनी है, ठीक है? तो अदील भाई आप स्टार्ट करें, इसका थिंकिंग क्या बनेगा? इसका मिस मधिया का ये कोई कॉफी की शॉप है मेरे ख्याल में। जी जी ऐसे ही है। जी जी, इसका थिंकिंग क्या बनेगा, कस्टमर क्या सोचता होगा उसका? सर वो सोच मतलब जो कैफे में जाने वाले लोगों की जो ज़हनियत होती है, वो घर में बोर होते हैं, वो उनकी वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या सोशलाइज करने वाले लोग होते हैं, घर में बोर होते हैं और उनका ये होता है कि उनको एक क्वालिटी प्लेस मिले जहां पर वो जाकर अपना टाइम स्पेंड करें और अपने टाइम को कीमती करें। गुड, वेरी गुड। आगे आपके भाई आप बताएं वो क्या सोचते होंगे। सर इसी तरह जिस तरह मिस मदी ने बताया कि वो अपने फ्री टाइम में, तो सर फ्री टाइम में डेफिनेटली वो एंजॉयमेंट के लिए आते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जाहिर सी बात है फ्री टाइम में वो अपने फ्रेंड्स को देना चाहेंगे, यानी दिमाग ठंडा के लिए आ सकते। ठीक हो गया। नासिर भाई आप बताएं क्या सोचते होंगे वो। मिस्टर नासिर, सलमान भाई आप बता दें। जी सर, वो ये सोचता रहेगा कि मतलब मुझे एक, अगर आप सर एज अ फ्रीलांसर में बताओ तो मुझे एक स्पेशल मीटिंग हो तो मैं वहां पर जा सकता हूँ, कि मुझे कोई ऐसा जगह मिले जहां पर शोर भी ना हो और मैं अपना मीटिंग भी कंप्लीट करूँ और साथ में एंजॉय भी करूँ, मतलब काफी व्यू इस तरह। गुड, वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड। शाबाश अनीस भाई,
ऐसे लोग क्या देखते होंगे, कोई आइडिया? बिल्कुल सर, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है इसके आजकल तो। इसके बारे में सर, ये एक है कि घर में जो एनवायरनमेंट होता है उससे डिफरेंट एनवायरनमेंट में बंदा जो है ना वो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग उसके आती है और जो चीजें उसके दिमाग में होती है उसके लिए एक जगह चाहिए होता है इस तरह रिलैक्स, जिस तरह लाइब्रेरी वगैरह हो। तो ये बहुत भाई आप बताएं, ठीक हो गया नहीं सही, थैंक यू मशाद भाई, आप बताएं वो क्या देखते होंगे, व्हाट विल बी दे सीइंग। मिस्टर मशाद जी आप क्लास में? I guess he's not, you know. Okay, Saad bhai, आप क्लास में? जी सर, मैं क्लास में हूँ। जी बताएं, ऐसे लोग क्या देखते होंगे? सर वो यही देखते हैं कि वहाँ पे जाए, कुछ टाइम स्पेंड करे, रिलैक्स हो। गुड। इंस्पिरेशन कहाँ से लेते होंगे इस तरह की वेबसाइट पे जाने का? गूगल से देखते होंगे, सोशल मीडिया से देखते होंगे, या रियल लाइफ दोस्तों से जानते होंगे कि वहाँ पे एक जगह है? कहाँ से उन्हें पता चलेगा इस तरह की चीजों का? सर मैं ज्यादातर सोशल मीडिया पे होता है ये सब। गुड हो गया। सोशल मीडिया पे जो चीज। गुड हो गया साध भाई, थैंक यू। मिस मदिया, आपके क्लाइंट किस किस रेफरेंस से आते हैं आपके पास आता है? क्या वो सोशल मीडिया को देख के आपके कैफे पे आएंगे, लोगों से सुन के आपके पास आएंगे, गूगल से देख के आएंगे, किस तरह आपके पास आएंगे? तो और वर्ड ऑफ माउथ से और सोशल मीडिया से। गुड हो गया। अच्छा आगे मिस मधिया बताएंगे वो कहते क्या होंगे, क्या उनका डूइंग में क्या होगा? सर मैं एक पर्सन की बात करूं। जी जी। जिस तरह मैंने कस्टमर पर्सन में लिया था कि एक लेडी है जो बाय प्रोफेशन वो लॉयर है और साथ में वो डाइवोर्स भी है, एक पोश एरिया में वो रहती है, एक छोटे से स्टूडियो फ्लैट में, और वो यहाँ पर अपने ऑफिस के बाद यहाँ पर आती है, अपने क्लाइंट से मिलती है, कभी कभी वो अपने दोस्तों से मिलती है, कभी कभी वो यहाँ पर रीडिंग करती है। तो सर मैंने तो ये डोमेन लिया था, तो अभी उस पे मुझे थिंकिंग की समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लिखूं। कोई मसला नहीं, अब देखिए ना आपने जो बताया उसी को आप कीवर्ड्स के अंदर ले जाएं। एक वो जॉब करता होगा, ठीक है, एक दूसरा ऑफिस वर्क करता होगा, हॉबीज होगा उसकी, हॉबीज होंगी, ठीक है। तो आपने अपनी जो जुमले बोले उन्हीं को आप बस कीवर्ड्स में डाल देंगे और उससे आपका डूइंग निकल आएगा, सही है? सर थिंकिंग की तो मुझे समझ आ गई, थैंक यू फॉर एवरीवन के उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इसमें। और सीइंग में मैं क्या लिखूं पे सर? मिस सीइंग में आप लिखेंगी कि वो क्या देखते हुए आपके पास आता है, जैसे आपने बताया वर्ड ऑफ माउथ से आएगा, पीयर रेफरेंस से आएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए आपके पास आएगा। तो आपने उन लोगों को सोचना है वो क्या देखते होंगे, फॉर एग्जांपल ड्रामे देखते होंगे, क्या सोशल मीडिया देखते होंगे, क्या मूवीज देखते होंगे, किन चीजों से वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी सॉरी आप क्या कह रहे थे सर? इसमें चैनल लिखेंगे कि किस चीज से इन्फ्लुएंस होकर वो आते हैं। या बेसिकली इसमें आपने बताना है कि वो आपके कस्टमर जो है वो आपकी तरफ रागिब होने के लिए किन चैनल्स को फॉलो थ्रू कर रही हैं, जिनको देखते हुए आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपकी दुकान पे आया हो, उसने कोई पोस्ट लगाई हो, उस इन्फ्लुएंसर को देखते हुए आपके पास आ रहे हो, सोशल मीडिया की दूसरी चीजों को देख के आपके पास आ रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको वो देखते हो नॉर्मली तौर पे। आपके जो कस्टमर हैं वो ज्यादातर कहाँ टाइम लगाते होंगे? मिसाल के तौर पे अगर लॉयर की बात करें तो क्या आपका जो लॉयर है वो सोशल मीडिया पे टाइम यूज करता होगा? क्या आपका लॉयर ड्रामे देखता होगा? क्या आपका लॉयर मूवीज देखता होगा? क्या आपका लॉयर जो है वो न्यूज पेपर पढ़ता होगा? तो इस तमाम वो चीजें हैं जो वो देख रहे हो। वो अपने सर सर कुछ क्लाइंट्स उनके उसके इस तरह होंगे कि वो वहां पर उनके चैंबर में नहीं मिल सकते, तो वो कहेंगे हम कहीं बाहर मिल सकते हैं, तो फिर एक मीटअप के लिए ये स्पेस होगा कि वो यहाँ पर आकर मिल सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है, बट आपको सीइंग क्लियर हो गया? सीइंग से क्या हुआ था या अभी भी कंफ्यूजन है? सर क्लियर हो गया, मैंने यहाँ पर लिख लिया सोशल मीडिया एंड वर्ड ऑफ माउथ। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा फीलिंग का कोई कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर है? सर वो भी बता देते थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। श्योर। तो बेसिकली जब कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा तो क्या फील करना चाहता है,
वो रिलैक्स फील करना चाहता है, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन कि मैं यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकता हूँ। वो प्राइवेसी फील करना चाहता है कि मुझे यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा, यहाँ पे मेरे पास प्राइवेसी है। तो इस तरह के वो हर वो फीलिंग जो आपका क्लाइंट आपकी शॉप पे आके फील करना चाहता है, केयर्ड अबाउट फील करना चाहता है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि वो देखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, सर क्लियर हो गया। और डूइंग में फिर मैं क्या लूँ? डूइंग में आपका क्लाइंट क्या क्या करता है, वो जॉब करता है, वो ऑफिस का वर्क करता है, उसकी हॉबीज है, जिनको केयर करता है, वो शॉपिंग करता है, जो जो आपका कस्टमर आपके ख्याल में करता है ना काम, जो आपकी आपसे रिलेट रखते हैं, जो आपसे ताल्लुक रखते हैं, वो आपके डूइंग में आ जाएंगे। सर जिस तरह हमने हॉबीज में लिया था। जी एग्जैक्टली। ठीक है गाइस, अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का भी पर्सोना कंप्लीट नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं। सर और जिस तरह हमने एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट करना है, तो ये वाली स्लाइड जो है ये भी डिफरेंट बनाएंगे। जिस तरह मैंने चार ग्रुप्स लेने होंगे, तो चार ग्रुप के लिए अलग अलग एम्पैथी मैप। आई वुड सजेस्ट कि आप एक सिंगल एम्पथी मैप में इन चारों को कैटर कर सकती हैं, क्योंकि उनके जो एम्पथी है ना तकरीबन सेम ही होगी। अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए डिफरेंट बनाने की जरूरत है, फिर आप बना सकते हैं, मना नहीं है, बट आमतौर पे मैंने जहाँ तक नोटिस किया, एम्पथी जो है सेम तकरीबन रिलेट करती है लोगों की। ठीक हो क्या मिस? ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। तो गाइज कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट को आखिरी कुछ मिनटों के अंदर कैटर करना चाहेंगे। तो गाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, नाउ इज द टाइम टू आस्क अबाउट देम। क्लियर है सर, आगे जाए। चलें आगे चलते हैं, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए जब आप देख सकें तो। जी नजर आ रही है सर। एक सेकंड, अच्छा मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आके भाई आपको? जी नजर आ रही है सर, पहले भी आ रही थी। चलें ओके, थैंक यू। अच्छा गाइस, तो इससे पहले हम इन चीजों को एक बार कीटक के एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, हमने क्या कर लिया है, आगे हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है, हम उस फाइनल प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, उस फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक मार्केटिंग प्लान क्रिएट करना है। वो मार्केटिंग प्लान हम अपने ब्रांड के लिए भी कर सकते हैं और मैग्नोलिया कॉफी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं। मार्केट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? मार्केटिंग ओवरव्यू इंक्लूड होता है। मार्केटिंग ओवरव्यू क्या होता है अदिल भाई, बताएंगे मार्केटिंग ओवरव्यू क्या होता है? अदिल भाई क्लास में नहीं है। आके भाई आप बताएं मार्केटिंग ओवरव्यू क्या होता है। सर मार्केटिंग ओवरव्यू में हम कुछ खास चीज़ें डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक्स होगी, हॉबीज होगी, नीड्स होगी, यही है गुड सर अगर जॉब, मैं हूँ तो। शाबाश फरमानुल्ला। फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट करना है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होता है फरमानुल्ला, बताएंगे आप? जी सर, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल सर, उसको हम देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या बिजनेस है, और ये सारी चीजें उसकी सर एक प्रोफाइल बनाएंगे। शाबाश। फिर इसके बाद अगला काम होता है कॉम्पिटिटर प्रोफाइल बनाना। बशाद भाई आप बताइए कॉम्पिटिटर प्रोफाइल क्या होता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, जी ये मिस्टर आइडियल दिया, कस्टमर प्रोफाइल और ये कस्टमर पर्सियोना सेम चीज नहीं है? यस दे आर द सेम थिंग। बिशाद भाई आप क्लास में हैं? यस सर, आई एम इन द क्लास। ये इंटरनेट अनस्टेबल है। कोई बात नहीं। कंपटीटर प्रोफाइल क्या होती है बताए बिशाद भाई आपको? यस सर, जो कंपटीशन में जो कंपनीज है मार्केट में ऑलरेडी। शाबाश, वेरी गुड आंसर। आगे चलते हैं। मिस मधिया आप बताएं कि, सॉरी नासिर भाई, नासिर भाई आप बताएं कि स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और कीपी क्या होती है। नासिर भाई आई गेस नासिर भाई आवाज नहीं आ रही, वकार भाई आप बता सकते हैं? जी जी जरूर।
अच्छा, स्मार्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है तो उसके लेट्स से 1000 पीस है, तो वो हम डिफाइन करते हैं कि हमने 1000 पीस इतने स्पेसिफिक टाइम में सेल करने, और उसका जो KPI बनेगा वो सेल्स होगी हमारी। गुड आंसर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है। शाबाश, वेरी गुड आंसर। आगे चलते हैं, आगे आप कंपेटिटर एनालिसिस भी बता दें, अभी हमने पहले डिस्कस किया था। कंपेटिटर एनालिसिस बेसिकली हम अपने कंपेटिटर को देखते हैं और उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स वगैरह को भी मद्देनजर रखते हुए हम उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या अगर उनकी कोई मार्केटिंग कैंपेन अच्छी चल रही होती है तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने कैंपेन में डाल सकते हैं। वेरी गुड आंसर का भाई, वेरी गुड आंसर। आगे चलते हैं, मिस मदिया, SWOT एनालिसिस क्या होता है? सर, SWOT एनालिसिस ये होता है कि उसमें हम देखेंगे कि मार्केट में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अपनी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या अवेलेबल है और हमारे लिए थ्रेट क्या हो सकती है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अच्छा गाइस, ये अभी हम इन सबको एक बार केटा इसलिए कह रहे हैं, दोबारा मैं इन सबकी डेफिनेशन आप लोगों से इसलिए सुनाऊं ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो इफ यू गाइस फील यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी ऑफ दीस थिंग्स ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस भी करेंगे, तो आप पूछ भी सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा गाइस, यहाँ तक तो हमने इन सब चीज़ों को केटा कर लिया। ये एक चीज़ है जिसको जिसके बारे में मैंने आप लोगों से अभी तक बात नहीं की है, इंटरव्यू। आप सब लोगों ने आपने जो भी चीज़ चूज की, चाहे आपने मैग्नोलिया कॉफी कंपनी चूज की है, चाहे आपने अपना ब्रांड चूज किया, उसके लिहाज से आपने एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करना है। वो इंटरव्यू जो है उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछेंगे, और इंटरव्यू अगर एक रियल बन जाएगा ढूंढ लें तो दैट्स वेरी गुड। अगर रियल पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं तो फिर आप एम्पथी के लिहाज से वो इंटरव्यू खुद भी कंडक्ट कर सकते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? अच्छा फरमान भाई, एम्पैथी के लिए ऐसे खुद इंटरव्यू कंडक्ट करने से क्या मुराद है? जी सर, एम्पैथी, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा नहीं मिलता आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए इंटरव्यू देने के लिए, तो आप कैसे इंटरव्यू वाला जो सेक्शन है सॉल्व करेंगे? इसको मैं सर इस तरह सॉल्व करूंगा कि मैं बेसिकली डबल वीडियो अपने बनाऊंगा। एक में मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे मेरा बिजनेस है ये चलने वाला है, दूसरी तरफ में हम लेकर देंगे आपके लिए, आपकी बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो एक डबल साइड वीडियो। वेरी गुड आंसर, लविंग योर आंसर फरमान भाई। बेसिकली आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि आप खुद ही अस्यूम करेंगे अपने आप को उस कस्टमर के पांव में रखते हुए कि आपका कस्टमर क्या फील कर रहा है। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद इंटरव्यू, दूसरे दोस्त अगर कोई मिल जाए तो बेस्ट है, आप किसी बंदे का इंटरव्यू कर सकें वो आपके लिए बहुत आसानी हो अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं आप कंडक्ट कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप जिस तरह फरमान भाई ने बताया आप अपने आप को उनके पैरों में रख के भी वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबको यहाँ पर क्या होंगे? अच्छा तो ये ना ऑलरेडी इधर लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, आप अगर सबमिट प्रोजेक्ट में जाते हैं ना चीट शीट के अंदर, एक सेकंड कुछ बताता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको इंटरव्यू पोटेंशियल कस्टमर्स? जी सर। ओके, तो इसके अंदर लिस्ट ऑफ पोटेंशियल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को समझ के अपने लिहाज से उन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी मैंने अपनी जो क्लासरूम का पेज है वो मैंने खोला था तो वहाँ पर जो मैं एंड पे थी तो अभी वो एंड पे शो नहीं हो रहा, बीच में से जो मैंने लेक्चर्स देखे हैं वो वापस मुझे शो हो रहे हैं, तो अभी मैं दोबारा सबमिट करके आगे जाऊंगी कि किस तरह जंप कर। नहीं, आप डेक भी जा सकती हैं, आप जो स्लैक है ना, स्लैक के अंदर हेल्प वाला एक ग्रुप है नंबर 4 पे, अब वहाँ पे जो कम्युनिटी मॉडरेटर है उनसे क्वेश्चन कर लें, आपको सॉल्व कर देंगे। वैसे आप डेक भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस यहाँ से आप पोटेंशियल क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और ये इन चीजों को रीड कर लीजिएगा एक दफा, आपको समझ में आ जाएगा अपने इंटरव्यू में क्या बातें करनी है। ठीक हो गया? जी सर, क्लियर है। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा
हमारे कुछ क्लास मेट्स जो हैं ड्रॉप ऑफ हो गए। अच्छा आगे चलते हैं, इंटरव्यू हो गया हमारा, इंटरव्यू के बाद से आप लोगों को एम्पैथी मैप भी सबको क्रिएट करना आ गया है। यस सर, यस सर। कस्टमर पर्सोना भी सबको क्रिएट करना आता है, जर्नी मैप, कस्टमर जर्नी मैप जो है उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और ये जब आप कर लोगे तो फिर आपका मार्केटिंग प्लान की समय बन जाएगी। उसके बाद वैल्यू प्रोपोजिशन भी आप सबको क्रिएट करनी आती है, और इन सबको देखते हुए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फुलफिल हो गई है। ठीक है, सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप इस क्लास में अगर और मजीद एक्सप्लेन कर दें। जी जी डेफिनेटली, कोई इशू नहीं है। अभी हमने इन चीजों को थोड़ा कैटर कर लेते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं, मार्केटिंग प्लान की समय स्नैपशॉट को देख लेते हैं, कस्टमर जर्नी मैप को भी एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। इसके अलावा ऊपर वाली सब चीजें सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन पूछ लें सर? ये मार्केटिंग ओवरव्यू जो है इसमें क्या लिखेंगे? ये स्लाइड तो मैंने डिलीट कर ली थी कि ये नहीं है, इसके बाद जो है वो स्लाइड्स कोई मार्केटिंग ओवरव्यू में ना आपने बेसिकली अपनी कंपनी के बारे में बताना है, आपकी कंपनी क्या है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, बैकग्राउंड। या एग्जैक्टली, आपको मार्केटिंग ओवरव्यू का बेसिक आइडिया वही है। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा आके भाई ने बताया कि आके भाई कस्टमर जर्नी मैप, स्नैपशॉट, समय ऑफ मार्केटिंग प्लान, वैल्यू प्रोपोजिशन तो सबको आ गई है? जी सर बिल्कुल आ गई। जर्नी मैप तो सर अभी नहीं डिस्कस हुआ। अच्छा सॉरी सर, हम कैटर कर लेते हैं जो चीजें नहीं डिस्कस हुई हम कैटर कर लेते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इन तीन चीजों को हमने अभी टेक केयर करना है। गाइस मैंने चैट में एक मैसेज भेजा है, कस्टमर जर्नी मैप, स्नैपशॉट, समरी ऑफ द मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इन तीनों पॉइंट्स के अलावा कोई चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन है या कोई आइडिया अभी भी आपको लगता है उसे... सर आपकी आवाज कट रही है। सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सर अभी। ओके परफेक्ट। तो मैं कह था स्नैपशॉट, समरी ऑफ द मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कस्टमर जर्नी मैप जो है, इन तीनों के अलावा अगर ये जो बाकी के एलिमेंट्स की हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपको उनमें से किसी में अभी कोई क्वेश्चन है तो अभी हम उसे डिस्कस पहले कर लें, अदरवाइज हमारे जो तीन चीजें रहेगी हमें उन्हें कैटर कर लें। चले परफेक्ट हो गया। जरा एक मिनट मैं स्लाइड अपनी शेयर करता हूँ सर। अच्छा गाइस हमारी जो क्लास का एक्चुअल टाइम है ना वो खत्म हो चुका है, मैंने अभी नोटिस किया है,
तो अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है, अदरवाइज हमने बाकी का जो भी टाइम है ना वो एक्स्ट्रा है, उसके अंदर हमारे जो 3 पॉइंट्स है हम उन्हें कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इफ एनीवन वांट्स टू लीव यू आर फ्री टू गो। अभी हम 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हमने फिर अगले 3 पॉइंट्स को कैटर करना है। ठीक है सर, कंटिन्यू करेंगे क्लास। चलिए गुड हो गया, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद फिर हम इसे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। वापस आ गए। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आवाज ठीक है? चलिए, फाइन।
तो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास ना पीछे तीन चीजें रह गई हैं। वन इज कस्टमर जर्नी मैप, सेकंड थिंग इज कस्टम स्नैपशॉट समरी ऑफ द मार्केटिंग प्लान, द थर्ड थिंग इज क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इन तीन चीजों को हमने कैटर करना है इन द फॉलोइंग हाफ आवर वी आर गोइंग टू गो विद दिस क्लास, राइट। तो मैं कस्टमर जर्नी मैप से स्टार्ट करते हैं। नवी स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट मी नो व्हेन यू कैन सी इट। स्लाइड स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी परफेक्ट। तो आप सब लोग इस तरह कई एड्स देखते हैं गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एंड हर जगह जगह पे आर्टिकल्स के अंदर, राइट। अब ये सही एड्स जो है ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड पे आपको जज कर रही होती है। आपने उस प्रोडक्ट को देखा है, आप उस प्रोडक्ट को जानते हैं, आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए वो जज कर रही होती है कि आप इस बाइंग साइकिल में कहाँ पे हैं। अब मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आप सब लोग इन इन पांच स्टेप्स को गौर से देखें। आप जितने भी आपके कस्टमर्स हैं ना, आप उन्हें इन पांच चीजों के अंदर डिवाइड कर सकती हैं। पहली बात, क्या आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या कहते हैं, उसका गोल क्या है। दूसरी, क्या आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। थर्ड, क्या आपका प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर के दिल में डिजायर रखता है कि नहीं रखता। चौथी चीज ये है, क्या वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए एक्शन लेता है कि नहीं लेता। पांचवी चीज है कि उसने बाय कर लिया है तो क्या वो उसकी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आप इसे इस तरह कस्टमर जर्नी को समझ सकते हैं। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गई मेरी बात? जी सर आ गई। परफेक्ट परफेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मिस मदिया की एग्जांपल कॉफी हाउस वाली, उसी को लेके चलते हैं। क्या एक लॉयर फीमेल जिसकी उम्र 25 से 45 के दरमियान में, क्या उसे पता होगा कॉफी हाउस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो किस काम के लिए करते हैं? यस सर, कॉफी शॉप जो है उसको बनाने से पहले 2-3 वीक्स बिफोर मैं बिलबोर्ड्स पे एड्स लगाऊंगी और साथ में सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाऊंगी। मिस वो तो ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आम आदमी को पता होता है कि कॉफी हाउस क्या होता है? सर आजकल जिस तरह कल्चर है, मेरे ख्याल में सबको पता है। एग्जैक्टली पता होता है, सबको पता होता है। अगर उसी तरह मैं बात करूं कि हेयर फॉल शैम्पू, क्या एक आम आदमी को पता होता है कि हेयर फॉल शैम्पू क्या है, या उसे बताना पड़ेगा हेयर फॉल शैम्पू क्या है? सर उसको बताना पड़ेगा। सही है ना। अगर उसी तरह मैं बात बताऊं कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिससे आपकी जो एज है वो कम हो जाती है, या आपकी जो स्किन है वो जवान हो जाती है, या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि मार्केट में किसी के पास नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट है, तो क्या मुझे लोगों को पहले बताना पड़ेगा ये प्रोडक्ट क्या कहता है, या फिर मैं डायरेक्ट उसकी मार्केटिंग शुरू कर सकता हूँ? पहले लोगों को बताना नहीं, पड़ेगा, पहले उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप लोग मेरे पॉइंट पे पहुंच गए। पहले आपको उस प्रोडक्ट को, इससे पहले कि आप उसकी वायरल मार्केटिंग शुरू करोगे, आप पहले उसकी डिमांड क्रिएट करोगे, उसकी मार्केट क्रिएट करोगे, और उसकी मार्केट क्रिएट करने के लिए आप उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाओगे लोगों को। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी जी परफेक्ट। मैं आप लोगों के साथ एक ग्राफ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे एक मिनट में। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नो सर। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, लेट मी नो व्हेन यू कैन सी इट। जी अब नजर आ रही है। जी सर शो हो गई है। परफेक्ट परफेक्ट। तो हम ना अपने कस्टमर जर्नी को इस तरीके से समझते हैं कि पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम अगले फेजेस में जाते हैं, राइट। एक सेकेंड, पहले हमने अवेयरनेस क्रिएट किया, फिर अवेयरनेस क्रिएट हो गई है लोगों को पता चल गया आपके प्रोडक्ट क्या है, क्या कहता है, उसके बाद आप लोगों के दिल में उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करते हो, फिर आप उसके दिल में डिजायर पैदा करते हो। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। जब बाय कर लेगा, फिर आपकी अच्छी सर्विस जैसे और दूसरे दोस्तों को भी बताएगा कि यार ये मैंने प्रोडक्ट लिया है, अब आप ये प्रोडक्ट ट्राई करके देख लो।
ये आइडिया समझ में आ रहा है सब दोस्तों को? जी जी सर, जी सर, बेसिकली एक फनल है ये। या एग्जैक्टली सेल्स फनल, बट हम इसे कस्टमर जर्नी के लिए ऐसे देख रहे हैं। सेल्स फनल जो है आप उसी को समझ लो, बट उसे हम एक कस्टमर के लिए ऐसे देख रहे हैं। सेल्स फनल होती है मार्केटर के लिए, हम मार्केटर मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो कस्टमर्स को सेल्स फनल के थ्रू लेके जाते हैं। बट एज अ कस्टमर आपने देखना है कि उसका रास्ता किस किन जगहों पे जा रहा है, एज अ कस्टमर आप उसे कस्टमर जर्नी कहते हो। डिफरेंशिएट हो गया दोनों में? जी परफेक्ट परफेक्ट। तो कस्टमर जर्नी की हम सब दोस्तों को समझ में आ गई है? जी सर परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये मैं स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको अब एको वाली? जी सर परफेक्ट। वर्डिंग बहुत छोटी है सर। या एग्जैक्टली मैं तो ज़ूम कर देता हूं। अब दिखाई दे रही है ब्रदर? ज्यादा क्लियर नहीं है सर ये वर्डिंग। कोई बात नहीं, वर्डिंग क्लियर भी ना हो मैं आपको बता देता हूं। सर रीडिंग वाली है उसे नजर आ रहा है। कोई इशू नहीं, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। एड है, बेसिकली एड के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज अमेज़न एको। अब अमेज़न ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था एको के नाम से, जो एलेक्सा के टाइप है, जिस तरह सीरी है ना उस तरह अमेज़न एको के नाम से लॉन्च किया था सीरी के लिहाज से, जिसमें आप अमेज़न को कहते थे हेलो सीरी प्ले मी दिस सॉन्ग या जो भी आप कहते थे वो काम कर देता था, राइट? तो वो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था जब उन्होंने, तब उन्होंने कंपेन लॉन्च की थी उस प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, तो अवेयरनेस कैंपेन थी, उसके बारे में ये ऐड है। ठीक हो गया? ठीक है सर। वर्चुअल असिस्टेंट। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर डिजायर की बात करें, जब लोगों को पता चल गया कि एको क्या काम करता है, फिर आपने इस तरह की कैंपेन लॉन्च कर दी कि एको डॉट बाय थ्री सेव $20, कि आप तीन खरीद लो $20 सेव कर लो। आप दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको? जी 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 सर। दोनों एड्स में डिफरेंशिएट हो गया कि दोनों एड्स में फर्क क्या था? एक एड के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे, दूसरे एड के अंदर आप क्या था भैया तीन ले लो 20 पे बच जाएंगे तुम्हारे। जी दोनों में फर्क समझ में आता है आपको? जी सर परफेक्ट। अब एक हो इसकी टाइप ले लो, इंटरेस्ट के अंदर आपने उसे बता दिया कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के फायदे क्या है। इसका फायदा ये है कि आप उसे कुछ कहोगे वो काम कर देगा। आपने उसकी वीडियो बना दी, आपने उसकी डिफरेंट चीजें बना दी ताकि लोगों का आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। ये बात समझ में आ गई भाई आपको? मतलब इंटरेस्ट में हम बेनिफिट्स वगैरह या फीचर्स डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। अवेयरनेस के अंदर ये बेनिफिशियल है ये उनको एक्सप्लेन करना है। यप एग्जैक्टली। अवेयरनेस के अंदर आप प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हो, इंटरेस्ट के अंदर आप बेनिफिट दे रहे हो, डिजायर के अंदर आप उसे डील दे रहे हो, एक्शन के अंदर आप सेल के पर जा रहे हो, पोस्ट एक्शन के अंदर आप उसे कह रहे हो या फीडबैक दे दो, दोस्तों को बता दो, मेरी तारीफें करो, रेफरेंस दो, फीडबैक दो, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें पोस्ट एक्शन में आ जाएंगी। ठीक है सर। सर अगर मैं इस तरह जिस तरह मैं कैफे की एग्जांपल लेती हूँ, अगर अब मुझे बता दें कि किस एक्शन में आएगा या पोस्ट एक्शन में आएगा, अगर मैं उनसे कहूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे इसकी पोस्ट लगाते हैं तो आपको एक कॉफी फ्री मिलेगी या कोई कॉफी के साथ कुकीज फ्री मिलेगी, तो वो कौन से उसमें आएगा, पोस्ट एक्शन में या एक्शन में? सर मिस बताएंगे ये आपकी आवाज नहीं है। सर जिस तरह मेरी जो एग्जांपल है वो कैफे की है, अगर मैं कस्टमर्स को कहती हूँ कि आप अगर यहाँ पर बैठकर एक सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाएंगे यहाँ पर बैठकर इसी एनवायरनमेंट की, तो आपको हम रिवॉर्ड में एक कॉफी के साथ कुकीज फ्री देंगे या ये पोस्ट एक्शन होगा? ये पोस्ट एक्शन होगा जी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी दुकान पे आ गए, उन्होंने आपके प्रोडक्ट ले लिया है, उन्होंने एक्शन कर दिया है। ठीक है, आप अपने पोस्ट एक्शन के लिए आइडिया दे रहे हो। ठीक हो गया गाइस, किसी को कस्टमर जर्नी में अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। सर ये एक्शन जो है, एक्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर ले कि ये कस्टमर का डिजायर जब है उसके बाद जो उसने एक्शन लेना है, मतलब वो चीज जो खरीदने उसने, तो एक्शन उसको कहते हैं। जी
किसी चीज को खरीदना, किसी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाना, या कोई भी ऐसा काम करना जो आपका आइडियल गोल है ना, वो एक्शन है। श्योर, यस सर। परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? नो। परफेक्ट। तो गाइस, इस तरह हमारा कस्टमर जर्नी मैप सबको समझ में आ गया? जी सर। चलें, अब जरा इधर आते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको देखते हैं। प्रोजेक्ट अगर मेरे पास खुला हो, एक मिनट यार, मैं स्क्रीन दिखाई दे रही आप सब दोस्तों को? जी ठीक है जी। तो आपने अपना कस्टमर जर्नी मैप बताना है मैग्नोलिया कॉफी हाउस का, उसके अंदर आपने तीन स्टेजेस के बारे में बताना है। अभी हमने डिस्कस किया था फाइव स्टेजेस, बट आप उन तीन स्टेजेस को डिफाइन करोगे जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एक्शन, पोस्ट एक्शन, डिजायर। मेरे ख्याल में इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये तीनों आपके लिए मेन गोल्स होंगे। बट आप अपने लिहाज से देख लीजिएगा कि आप किस तरह अपना काम कर रहे हो, आपके मेन गोल्स क्या होंगे, और आप तीन स्टेजेस को डिफाइन करोगे। ठीक है? ठीक है सर। चलें आगे चलते हैं। कस्टमर स्टेजेस क्लियर हो गया, इसके बाद आप मार्केटिंग प्लान ये सबमिट करोगे। मिसाल के तौर पर अगर एग्जाम्पल लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग हाउस की, तो आप अपने अभी तक जो भी बातें हमने ऊपर डिस्कशन की है, जो हमने एम्पैथी मैप क्रिएट किए, टारगेट पर्सोना क्रिएट किए, इन सब चीज़ों को आप इधर समराइज कर दोगे कि मेरा समय ये है कि मैं 25 से 45 ईयर लोगों को टारगेट करूंगा जिन्होंने अभी भी बिजनेस लॉन्च किया है, जिन्हें वेबसाइट की जरूरत है, जो अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, जो अपना डिजिटल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इन सब बातों की जो आप समझ गए, इधर चार पांच लाइनों के अंदर बना दोगे। ये समझ में आ गया सबको? सर पूरे प्रोजेक्ट के एक कंक्लूजन समरी टाइप, या पूरा उसको दोबारा एक्सप्लेन करना है? जी मैं दोबारा, हाँ जी बिल्कुल, आपने समरी बनानी है बेसिकली। अभी तक हमने ऊपर से इधर तक जितना भी काम किया ना, उसको समराइज करना है आपने इधर चार से। सर वो पर्सोना तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, या वो भी करना है? नहीं नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना, आपने समराइज करना है कि आपका। सर आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, समझ नहीं आया।
I'm so sorry guys, मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू हो गया था तो उस वजह से मैं जाना पा गया. I'm really sorry about this. नहीं नहीं कोई मसला नहीं. अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं. मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा था रिगार्डिंग सर जी जी एक्सक्यूज मी सर सर आप ड्रॉप हो गए तो एडमिन में बन गए तो रिकॉर्डिंग इन प्रोसीड थी. मैंने अपना व्हाट्सएप खोला था क्या वो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ पीछे. नहीं नहीं वो नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा. ठीक है सर अगर कुछ हुआ है तो प्लीज फिर आप इसको क्रॉप कर ले या शेयर ना करें. जी 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 श्योर श्योर. नहीं सर नहीं वो स्क्रीन शेयर नहीं था सर. चलो मिस आप टेंशन ना लें मैं चेक कर लूंगा अगर कुछ हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा अदरवाइज आई लेट यू नो. ठीक है ओके सर. अच्छा गाइस मार्केटिंग प्लान की सबको समझ में आ गई. मार्केटिंग प्लान समझ में क्या होता है किसी को क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें. सर ये एग्जैक्टिव समरी के बारे में है ना मतलब एग्जैक्ट बोलें तो यार आपने अभी तक जो जो चीजें ऊपर पढ़ी हैं जो किया है ना उन सब की समय क्रिएट करनी है आपने इसके अंदर. ठीक है सर मैं कुछ शेयर करूं इधर सर. जी जी बताएं प्लीज. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में कोई एक चैप्टर पढ़ते हैं ना कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसके बाद उस चैप्टर की समरी दी जाती है मेन पॉइंट्स तो आपने इस पूरे जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो इसके मेन पॉइंट्स उठाने विद इन वन और टू लाइंस आपने इनको बताना है टच करने से ताकि कोई अगर बगैर इनको समझ सके सिर्फ समरी पढ़ के समझ सके. भाई थैंक यू आके वेरी वेल सेड. थैंक यू ब्रदर. होपफुली इससे सब लोगों को समझ में आ गई होगी. लास्ट चीज है आप लोगों ने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी देनी है. अब वैल्यू प्रोपोजिशन का तो आप सबको पता है ना उसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी आई होप. जी सर क्लियर है वो. चलें गुड हो गया. लास्ट थिंग है मार्केटिंग स्ट्रेटजी. मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने वैल्यू प्रोपोजिशन को यूज करते हुए आपने दो से तीन लाइनों में एक्सप्लेन करना है कि आपके मार्केटिंग गोल्स क्या होंगे केपीआई क्या होंगे और इन इन चीजों को देखते हुए आपके कस्टमर पर्सोना पे आप कैसे टारगेट करोगे अपने कस्टमर जर्नी के अंदर. और इन बातों को जब आप तीन दो से तीन लाइनों में एक्सप्लेन करोगे वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी. आखिर भाई समझ में ही आपको. जी सर ये पहले से क्लियर है. परफेक्ट परफेक्ट. रिपीट करेंगे क्या मैंने कहा है क्लास के लिए. एक सेकंड सर. मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमने दो से तीन लाइनों में यह बयान करना है कि आपके गोल्स क्या हैं केपीआईज आपने जो डिफाइन करने और कस्टमर पर्सोना इसके बारे में आपने शॉर्ट से इंट्रोडक्शन देने इन तीनों चीजों के बारे में. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. मिस मधिया आपको भी समझ में आ गया. सर इसमें हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे अपने केपीआईज के बारे में लिखेंगे और एग्जैक्टली हो आपके टारगेट पर्सोना क्या था हो उस तक आप कैसे पहुंचोगे टारगेट पर्सोना क्या था उसे कस्टमर जर्नी में कहां पे टारगेट करें. अगर मैं ये लिखूं कि मेरा टारगेट ये होगा कि 40% मेरे कस्टमर जो है वो रिपीटेड हो और 20% मेरे न्यू कस्टमर्स आए. हां जी ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है बट इसे कैसे फुलफिल करना ये भी लिखना होगा आपने. ठीक है आप एक दफा इसे रीड करोगे ना 34 का आपको बहुत समझ में आ जाएगी इसकी ना आसानी से. ठीक है गाइस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन यू गाइस. माशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है. मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई इशू आएगा बट अगर फिर भी कोई आता है तो आपने घबराना नहीं है. आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं बस मुझे बता दीजिएगा. आई विल सेट अप द एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू गाइस. ये आखिरी क्लास है प्रोजेक्ट वन की तो प्रोजेक्ट वन की जो फाइनल टाइम है ना सबमिट करवाने का वो 12 तारीख है बट डेडलाइन उसकी 18 तक है तो कोशिश कीजिएगा उससे पहले पहले आप लोग सबमिट करवा दें पहला प्रोजेक्ट. जो जिन लोगों का भी पीछे हैं आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें और अगर किसी को क्वेश्चन है कोई बात पूछना चाहते हैं नाउ इज द टाइम अदरवाइज आई विल क्लोज द क्लास इन 2 मिनट्स. सर 2-3 दिन बाद अगर एक और कनेक्ट सेशन कर लें तो ताकि सबके प्रोजेक्ट जिधर तक जा चुके हैं इधर इसकी डिस्कशन कर लें. sure, या आपसे डीएम कर लें सर वन बाय वन. आप लोग अगर क्वेश्चन आप मुझे डेफिनेटली एक ग्रुप
ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास रखने तो एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं, आई हैव नो इशू विद दैट। बट आप लोगों को मुझे क्या कहते हैं डीएम करके बताना होगा कि सर मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, या फिर अगर आप दो तीन दोस्त हैं तो आप दो तीन दोस्त आपस में मशवरा करके मुझे बता देंगे हम तीनों को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, ताकि मैं रिक्वेस्ट आगे दे दूं और रिक्वेस्ट जब अप्रूव होगी उसके बाद मैं क्लास ले सकता हूं आप लोगों की एक्स्ट्रा। ठीक हो गया? ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन किसी दोस्त को, कोई बात समझ ना आए, कोई इशू हो? ये जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट अभी आपने ओपन किया था जिसमें आप प्रोजेक्ट समरी दिखा रहे थे, क्या ये सर आप शेयर कर सकते हैं या यूडीसीटी पर अवेलेबल है ऑलरेडी? ये ऑलरेडी अवेलेबल है ब्रदर, ये ऑलरेडी अवेलेबल है यूडीसीटी डैशबोर्ड के अंदर। जी सर, ओके सर, परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? अच्छा सर, वो मैंने अपना नेम करेक्ट कर लिया था, वो एक बार फिर देख लें आप। जी, मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है, अभी तो नहीं मैं चेक कर सकता क्योंकि अभी वो मैंने अटेंडेंस लगा के आगे भेज दी है, मैं नेक्स्ट सेशन में वो चेक कर लूंगा। चले सही है, थैंक यू। ठीक है, यू आर वेलकम ब्रदर। एनी अदर क्वेश्चंस सर? करियर सेशन भी कोई हो रहे हैं सर, मैंने आज देखे दिस लाइक में, तो उनको भी ज्वाइन करना जरूरी है? जी जरूरी है। बेसिकली ना ये जो आप डिग्री कर रहे हो नाइन डिग्री, इसके अंदर करियर सेशन में आपको बताते हैं कि आप अपने करियर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये नाइन डिग्री का सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हो और डिफरेंट एस्पेक्ट में अपने करियर को कैसे इलोंगेट कर सकते हो। जी सर, ठीक है। तो ये कोई एक ही लीडर इनको असाइन होगा सर सबको? जी, थैंक यू सर। You're welcome. अच्छा गाइस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोग ना अपने स्क्रम के अंदर डेली टास्क बताएंगे आप क्या कर रहे हैं रोजाना। स्लैक के अंदर एक स्क्रम के नाम से ग्रुप है, वहां पे बताएंगे आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, उससे मुझे फायदा ये होगा कि मुझे समझ में आ जाए कौन सा दोस्त कहाँ पे है, उसे क्या इशू आ रहा है, और अगर किसी को ज्यादा जरूरत है मैं उसकी हेल्प अप कर दूँ। अदरवाइज आपकी डेली अपडेट नहीं आती है तो मुझे पता नहीं चलता, मैं घबराता रहता हूँ कि पता नहीं बच्चे कहाँ पे हैं, उन्हें इशू क्या आते हैं एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? तो स्क्रम में काइंडली स्लैक के अंदर अपडेट देते रहते हैं। जी सर, इंशाल्लाह। तो देखा भी नहीं है स्क्रम को, तो इंशाल्लाह। परफेक्ट, टेक केयर गाइस, आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों को सलाम प्यार दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। अनीस भाई, आप चूंकि आज आए हैं तो आपसे एक दो मिनट बात करनी है, काइंडली जाए ना। जी सर, मैं यहाँ। अच्छा अनीस भाई, द थिंग इज कि आपके ना पिछला बहुत कंटेंट रहने वाला है, तो उसे फुलफिल करने के लिए ना मैं आपके साथ ये आज का सेशन, पिछला दो सेशन शेयर कर रहा हूँ। आपसे इल्तिमास है, आप इन तीनों सेशन को ना जितना जल्दी उसके देखें, और देखने के बाद जो इशू आते हैं मुझे आप स्लैक के ऊपर डीएम कर दें, ठीक है? ताकि मैं आपको यहाँ तो आपके लिए अलहदा सेशन रखवा दूँ, या फिर आपके जो मसले उन्हें कैटर कर दूँ, ठीक है? ठीक है सर। सर ये इनकी जो आपकी क्लास लास्ट हुई है ना, जो उनकी रिकॉर्डिंग अगर लिंक्स जी जी, मैं आपके साथ ना तीनों की रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ ताकि आप कहीं पीछे ना रह जाए, ठीक है? आप इन तीनों को जल्दी से जल्दी कंज्यूम करें, उसके अलावा यूडीएसटी का जो कंटेंट है उसे भी कंज्यूम करें, कैप्चर करके जो आपने जगह रह गई है, ठीक है? जी सर, परफेक्ट, ठीक है सर। आप मुझे एक काम के स्लैक पे मैसेज भी कर दीजिएगा। जी फरमान, बताओ सर। ये मैं सेशन करूंगा सर, वो पहला वाला सेशन अगर मुझे भी सेंड करें लिंक, जो पहला सेशन था सर, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मैं अच्छा, मैं ये कहना था मुझे मैसेज कर दो, डीएम कर दो, मैं आपको जरूर भेज दूंगा। डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा मुझे स्लैक पे, ताकि मुझे याद है, ठीक है? अनीस भाई, आप भी मुझे मैसेज कर दें स्लैक के ऊपर। जी जी अनीस, बताओ। स्लैक सर मैंने इंस्टॉल रखी है, ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन हुए, पता नहीं है, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ना, लास्ट टाइम जो तो उनका मैं आपने स्लैक इंस्टॉल कर ली है, आईडी बना ली है उसके ऊपर? जी जी, मैंने बनाई है, आईडी ओपन भी की है, कोई मैसेज वगैरह भी आ रहा है, लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं रही। पता नहीं, उस दिन मैंने एक दोस्त को मैसेज किया था, उसने फिर मुझे कहा कि आप, तो मुझे उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप उनमें क्या होते सर, नंबर सेव करने होते या कोई आईडी वगैरह होती है उनमें? आपने कोई कुछ सेव नहीं करना, आप ऑलरेडी एक ग्रुप के अंदर एडिट हो, उसके अंदर सब चीजें हैं, ठीक है? तो आपने बस ये करना है कि आपको अनीसुर रहमान नाम है आपका? जी जी, मैं ना आपको उसके ऊपर एक डीएम कर देता हूँ,
हाय का, आप ही वहां पे मेरे से डायरेक्ट बात कर लो, ठीक है? ठीक ठीक है सर, मैं उनको ताकि मुझे ओके, ठीक है बड़ी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह।